बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के कुछ इलाकों को सील किया गया है, उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। जिला गौतम बुद्ध नगर में भी प्रशासन ने 12 चुनिंदा क्षेत्रों को सील किया है, लेकिन नोएडा फेज 2 सब्जी मंडी में जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मार्केट में कितनी भीड़ है, लोग एक दूसरे के काफी करीब खड़े हैं। सरकार ने राशन पानी और सब्जियों की खरीदारी में थोड़ी छूट दी है, मगर फिर भी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। मगर ये तस्वीर ठीक उसके उलट है। ये तस्वीर नोएडा फेज 2 सब्जी मंडी की है। जिला प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार जिला प्रशासन कोरोना वायरस जैसी गंभीर महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन लोगों को शायद सीधी बात समझ नहीं आती। लोग खुद को देश के ऊपर रख रहे हैं, इस भीड़ को देखकर ऐसा ही लग रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो कुछ लोग आए इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अब मंडी गेट पे भी लगाया गया है आदमी को यहाँ पर, लेकिन बहुत सख्ती है। तो सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं हो पा रहा, वजह क्या? जी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कम समय के लिए मंडी है, इसमें या तो मंडी का टाइम टेबल दे दिए या तो सही है टाइम टेबल लिए पूरे दिन चले उसके बाद में ये बात होगी। खतरनाक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कई जिंदगियों को ले लिया है, फिर भी लोग इसकी भयावहता को गंभीरता से शायद नहीं ले रहे। वक्त रहते अगर लोग नहीं सुधरे तो इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। टोटल न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट।